नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने तरह के सेंसर नॉर्मली जो है वो गाड़ी में यूज़ होते हैं, उनके ख़राब होने से किस तरह की प्रॉब्लम्स तो वैसे आती ही हैं, लेकिन कुछ सेंसर ऐसे भी होते हैं जिनके ख़राब होने से मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं। सपोज़ मान लीजिए अगर कोई सेंसर ऐसा है इंजन से रिलेटेड, अगर वो ख़राब होता है तो कई बार क्या होता है इंजन स्टार्ट नहीं होता, लेकिन अगर उस सेंसर को आप डिस्कनेक्ट करते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पिकअप की प्रॉब्लम होती है और इंजन थोड़ा दूर चलता है फिर बंद हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है कंटिन्यूसली आती हैं। तो सब आज मैं कुछ बेसिक जो नॉर्मली सेंसर्स गाड़ी में आजकल आते हैं उनके बारे में बताऊंगा और उनके काम के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला है मास एयर फ्लो सेंसर। मास एयर फ्लो सेंसर के अंदर जो है पतली पतली फिल्म होती हैं जिसके बीच में से हवा पास करती है, क्योंकि वो फिल्म जो है वो गर्म होती हैं और जब हवा पास करती है तो वो ठंडी हो जाती है, जिससे कंप्यूटर ये कैलकुलेट कर लेता है कि कितनी हवा अंदर जा रही है, उसकी हिसाब से आपकी कार का फ्यूल कंजप्शन जो है कंप्यूटर डिसाइड करता है कि कितना फ्यूल गाड़ी को देना है और कितना नहीं देना है। इस पर आपकी गाड़ी का पिकअप भी डिपेंड करता है। दूसरा है इंजन स्पीड सेंसर, इसको आप RPM मीटर भी कह सकते हैं, जो आपकी कार के अंदर जो है आपकी जो आप कितने RPM पर आपका इंजन जो है वो चल रोटेट हो रहा है वो ये बताता है। अगर ये ख़राब होता है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर ये ख़राब होगा तो आपका थ्रॉटल रिस्पांस जो है वो भी ख़राब हो जाता है, फिर इसकी वजह से अगर आप हायर स्पीड में हैं तो आपको मिसिंग की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है इसकी वजह से भी। तीसरा है ऑक्सीजन सेंसर, इसको O2 सेंसर भी कहते हैं। ये सेंस करता है ऑक्सीजन, यानी जो अनबर्न फ्यूल है, जो फ्यूल एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल रहा है, ये उसको मेज़र करता है, जिसकी वजह से अगर फ्यूल ज़्यादा आ रहा है तो ये फ्यूल एक मैसेज जो है कार के कंप्यूटर को देगा और वो कार का कंप्यूटर जो है वो फ्यूल की सप्लाई जो है वो कम कर देगा या बंद कर देगा, जिसकी वजह से कार की इकोनॉमी जो है, फ्यूल इकोनॉमी जो है वो अच्छी होती है। अगर ये ख़राब हो गया तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तब कंप्यूटर जो है कार का वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि क्या फ्यूल एक्स्ट्रा देना है या उतना ही ठीक है, कंप्यूटर ये डिसाइड नहीं कर पाता है। इसके कारण भी पिकअप की प्रॉब्लम आती है, फ्यूल कंजप्शन जो है सडनली बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और गाड़ी थोड़ा बहुत धुआं भी देती है। चौथा है स्पार्क नॉक सेंसर। ये आपका स्पार्क देखता है कि आपकी गाड़ी में जो स्पार्क हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं, या फिर पहले हो रहा है या थोड़ा बाद में हो रहा है, तो ये उसके ऊपर नज़र रखता है। और स्पार्क नॉक सेंसर इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर सडनली अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा हॉर्स पावर की है तो अगर स्पार्क डीले होगा या पहले हो जाएगा तो उसके कारण जो है प्रॉब्लम ये होती है कि पिस्टन अभी ऊपर आए नहीं होते हैं और एडवांस अगर फायरिंग हो जाती है तो ये पिस्टन को ऊपर आने नहीं देता है बल्कि उसको नीचे की ओर पुश कर देता है तुरंत स्पार्क करके, जिसकी वजह से आपका पिस्टन रिंग हो गया, फिर आपका मेन बेयरिंग कनेक्टिंग रॉड जो बीगन वगैरह है उसको भी ये डैमेज कर देता है अगर आपका स्पार्क नॉक सेंसर काम नहीं कर रहा है तो। पाँचवा है कूलेंट सेंसर। कूलेंट सेंसर को आप थर्मोस्टेट भी कह सकते हैं। बेसिकली इसके बीच में दो तार होती हैं जैसे जो हीट होते ही आपस में टच हो जाती हैं और इससे आपका जो फैन है रेडिएटर का वो चालू हो जाता है, और इसकी इम्पोर्टेंस उससे ज़्यादा है एक फ़ैन को चलाने से ज़्यादा, क्योंकि आपका थर्मोस्टेट जो है आपके कई चीज़ों को भी कंट्रोल करता है, जैसे आपके EGR को कंट्रोल करता है कितना वाल्व खोलना है कितना नहीं खोलना है, फिर आपका जो है स्पार्क एडवांस, फिर आपका जो फ्यूल कैनिस्टर है यानी जो फ्यूल गैस के फॉर्म में कैनिस्टर चारकोल कैनिस्टर के अंदर इकट्ठा हो जाता है उसको यूज़ करना है कि नहीं, ये आपका जो बेसिक चीज़ें हैं दो तीन चीज़ें ये आपके थर्मोस्टेट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अगर थर्मोस्टेट ख़राब होता है तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी जो है तुरंत ख़राब हो जाएगी और गाड़ी बहुत अजीब ढंग से बिहेव करेगी, सडनली पिकअप हाई होगा लो होगा, इसके कुछ कारण जो है बहुत सारी मॉडर्न गाड़ियों में आता है। तो कूलेंट सेंसर सिर्फ रेडिएटर के टेम्परेचर को मैनेज नहीं करता, वो कई सारी चीज़ों को भी मैनेज करता है, जैसे कि कब इंजन को ओवरहीट होने पर बंद भी करना है,
वो भी ये डिसाइड कर लेता है, अगर सपोज मान लीजिए कूलेंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो एक लिमिट होती है कार के इंजन्स की, कि उस टेम्परेचर पे जाते ही जो है आपका कार का कंप्यूटर जो है आपके इंजन को ऑफ कर देगा। वो इसी के कारण होता है, अगर आपका कूलेंट सेंसर नहीं रहेगा तो आपके इंजन जो डैमेज के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। छठा है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर यानी मैप सेंसर, इसको कहता है। ये आपके एयर इनटेक का जो प्रेशर है यानी वैक्यूम प्रेशर है, ये उसको मेजर करता है और उस प्रेशर को मैनेज करके ये डिसाइड करता है कि उस मैनेज को मतलब जो प्रेशर है उसको रीड करता है, यानी कितना प्रेशर है। फिर उसको रीड करने पे ये अंदाज़ा लगता है कि इंजन के ऊपर लोड बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा एयर इनटेक के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से ज़्यादा एयर जो है वो पिस्टन्स खींचेंगे, जिसकी वजह से एयर इनटेक में प्रेशर होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, जिससे सेंसर ये डिसाइड कर लेता है कि हाँ फ्यूल जो है ज़्यादा करना है या कम करना है। वो ये भी डिसाइड करता है, अगर आपका मैप सेंसर ख़राब है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन अगर आप मैप सेंसर निकाल देते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप मैप सेंसर ख़राब पे गाड़ी चलाते हैं तो आप ज़्यादा देर गाड़ी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि अगर कंप्यूटर गाड़ी का अगर रीड नहीं करेगा मैप सेंसर की रीडिंग को, तो वो आपकी गाड़ी को थोड़ी देर में ही बंद कर देगा। सातवां है फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर का काम क्या होता है, वो चेक करता है कि फ्यूल कितना ठंडा है या कितना गर्म है। उसके ऊपर डिसाइड होता है इग्निशन, यानी अगर फ्यूल ज़्यादा ठंडा है यानी उसको बर्न होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा गर्म है तो उसको बर्न होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिससे कि फ्यूल इकोनॉमी जो है वो भी अच्छी होती है। तो ये फ्यूल के जो आपका फ्यूल का टेम्परेचर है ये उसको चेक करता है, जिससे आपकी कार का जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी अच्छा होता है। अगर ये ख़राब होगा तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी सडनली बिगड़ जाएगी, आपकी गाड़ी का पिकअप डाउन हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है थ्रॉटल का जो आपको चाहिए होगा वो भी नहीं मिलेगा, गाड़ी बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी अगर ये ख़राब होता है तो। फिर आठवां है वोल्टेज सेंसर। वोल्टेज सेंसर का काम क्या होता है कि आपके इंजन आरपीएम को भी ये मैनेज करता है, ये आपके इंजन के आरपीएम को रीड करता है। रीड करने के बाद आपके ईसीयू को मैसेज भेजता है कि सेम आरपीएम पे जो गाड़ी रहती है, सपोज मान लीजिए अगर 1500 आरपीएम पे, मींस गाड़ी 40 से 50 की स्पीड या 60 तक की स्पीड तो पकड़ेगी ही। तो ये वोल्टेज सेंसर का काम है कि जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो उसको वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए होगा स्पार्क के लिए या फिर इग्निशन के लिए किसी भी तरह की, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बैटरी चार्जिंग, बहुत सारी चीज़ें जो है कार की एक साथ वर्क करना चालू कर देती हैं। तो वोल्टेज सेंसर यही चेक करता है कि कितना वोल्टेज आपकी जो कार का आरपीएम है या कार की जो स्पीड है उसके ऊपर से ये डिसाइड करता है कि आपको कितनी वोल्टेज की ज़रूरत है पूरे इक्विपमेंट को चलाने के, उस हिसाब से ये डिसाइड करके उतना वोल्टेज जो है प्रोवाइड करता है। वोल्टेज सेंसर आपकी कार की आरपीएम के साथ ही वो इंक्रीज भी होती है, अगर आप जितनी ज़्यादा हायर स्पीड पे जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। आजकल गाड़ी में लगभग दो कैम आते हैं लगभग सभी में, तो उस हिसाब से दो सेंसर्स भी, कैम सेंसर्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। दोनों का काम अलग होता है, एक का पर्सनली काम होता है फ्यूल इंजेक्शन को मैसेज भेजना कि वाल्व ओपन हो रहे हैं तो उसको फ्यूल जो है वो इंजेक्ट करना है। कैम पोजीशन सेंसर का काम ही ये होता है, अगर कैम पोजीशन सेंसर जो है अगर आपका ख़राब है तो आपकी गाड़ी फर्स्ट पहले तो जल्दी से काफ़ी लंबे सेल्फ पे स्टार्ट होगी, वो आसानी से स्टार्ट नहीं होगी, अगर होती भी है तो मिसिंग करेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो गाड़ी करेंगी, हो सकता है मल्टीपल प्रॉब्लम्स करें कैम पोजीशन सेंसर के खराब होने के कारण। है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर यानी इसको टीपी सेंसर भी बोलते हैं, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी के रूप में ही आपको मिलता है। ये आपकी कार का जो एक्सेलरेशन है या फिर आइडलिंग है ये वो उसको आइडल पे रखता है।
अगर ये खराब हो गया तो क्या क्या कारण है। सबसे पहले तो आपकी गाड़ी को आइडल करने में, यानी जो 900 या 1000 RPM की जो आइडल गाड़ी होती है वो अनस्टेबल हो जाएगा, सडनली कम होगा, सडनली हाई हो जाएगा। बहुत सारी गाड़ियों में क्या होता है कि सडनली अगर ये खराब हो जाता है तो सडनली हाई हो जाता है RPM। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि अगर ये खराब हो गया तो इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है। चाहे आप मैनुअल भी एक्सेलेटर लोगे तो भी एक्सेलरेशन का रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा TP सेंसर के खराब होने के कारण। आपका व्हीकल स्पीड सेंसर या आपका स्पीडोमीटर जो है, आपका जो स्पीड है गाड़ी का वो बताता है, और साथ ही साथ ही आपके ABS के साथ भी काम करता है। यानी आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे है वो आपके ABS को भी मैसेज भेजता है कि अगर ब्रेक अप्लाई होता है तो ब्रेक को किस तरह जो है गाड़ी को रोकना है वो भी डिसाइड हो जाता है इस व्हीकल स्पीड सेंसर से। अगर आपका व्हीकल स्पीड सेंसर खराब होता है तो इसका असर आपके ABS पे भी आएगा, तो हो सकता है आपकी ABS लाइट ऑन हो जाए इसके कारण से, और चेक इंजन लाइट वगैरह जो है आपके MID में शो करेगा। फिर 12वां है ABS सेंसर। ABS सेंसर जो होती है एक डिस्क होती है और एक मैग्नेट सेंसर होते हैं, जो अगर वो डिस्क जो होती है अगर मैग्नेट के सामने से गुजरती है तब ब्रेक मारते समय ABS, आपका जो ABS मॉड्यूल है यानी आपके कार का कंप्यूटर जो है वो डिसाइड करता है कि अब ब्रेक अप्लाई करना है और कब अप्लाई नहीं करना है। इसलिए वो एक रिंग होती है जिसमें बहुत सारे जो है होल्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि गाड़ी का ब्रेक कब लगाना है। अगर वो रिंग निकाल देंगे तो आपका जो ABS ब्रेक है वो नॉर्मली जैसे पुराने पावर ब्रेक्स काम करते थे ये भी वैसे ही काम करना शुरू कर देगा। 13 है क्रैंक सेंसर। क्रैंक सेंसर आपका TDC नापता है अगर कि कब आपका TDC जो ऊपर आ गया है, यानी पिस्टन जो है अपने सबसे ऊपर लेवल पर है और उसी समय स्पार्क करना है। तो जो आपका क्रैंक सेंसर है वो आपका पिकअप और साथ ही साथ जो स्पार्क करना है वो दोनों चीज़ें जो है ये क्रैंक सेंसर के ऊपर डिपेंड करती हैं। 14 है ऑयल प्रेशर सेंसर। ये आपका ऑयल प्रेशर चेक करता है कि आपकी जो ऑयल में प्रेशर है या नहीं है, ये उसको डिसाइड करता है। हाँ, अगर आपका ऑयल प्रेशर कम है तो आपकी MID में शो कर देगा, आपका जो ऑयल का लाइट है वो ऑन हो जाएगा। इसका मतलब आपकी कार में इंजन ऑयल जो है या तो आपका सेंसर खराब है या फिर आपका जो इंजन ऑयल है वो बहुत कम है, तेज शो कर देता है। तो कई बार लोग इसको नज़रअंदाज भी करते हैं जिसके कारण उनका इंजन भी सीज हो जाता है या फिर उनका ऑयल पंप जो है लीक करता है। इस तरह की कई तरह की प्रॉब्लम्स जो आती हैं। अगर आपका ऑयल प्रेशर लाइट ऑन हो रहा है तो सबसे पहले आप अपना इंजन ऑयल चेक करें, फिर अपना जो ऑयल पंप है वो चेक करें कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है या फिर वायरिंग की प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि सेंसर्स के खराब होते ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमेशा आती हैं। कोई एक सेंसर खराब हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा, दूसरी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं गाड़ी के साथ। या फिर आपका कोई सपोज मान लीजिएगा अगर आपका इंजन से रिलेटेड है तो सडनली कोई दूसरी चीज़ भी खराब होती है, वो बिहेव करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम होती है वोल्टेज की। क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स जो हैं वो अलग अलग तरह की वायरिंग्स यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के जो सर्किट्स हैं वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक सेंसर दूसरे सेंसर के ऊपर डिपेंड हो जाता है। सपोज मान लीजिए किसी एक सेंसर के अंदर 12 वोल्ट का करंट गया, फिर उसी सेंसर से होके वो करंट जो है किसी और सेंसर में जाना था। अगर एक सेंसर खराब होगा तो दूसरे करंट सेंसर में अगर करंट नहीं जाएगा तो वो भी सेंसर ऑलमोस्ट खराब ही माना जाएगा, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है गाड़ी में आती हैं। तो कभी भी अगर आपकी गाड़ी में की कोई लाइट ऑन हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम गाड़ी में आ रही हो, सकता है कोई करंट का फॉल्ट भी होगा तो भी जो है MID में आपका चेक इंजन का लाइट जो है वो ऑन हो जाएगा, या फिर जो भी चीज़ की मॉड्यूल की लाइट होगी वो ऑन हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें फॉल्ट है, तो या फिर उसमें फॉल्ट है या फिर उससे रिलेटेड कोई फॉल्ट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।